नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फायर टीवी स्टिक से हम कोई ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करें या फिर अपने टेलीविज़न से कोई ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करें, क्योंकि जब हम टेलीविज़न को फायर टीवी स्टिक के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो दो ऑप्शन मिल जाते हैं हमको कि भैया हमारे पास फायर टीवी से भी जो है कनेक्शन करने का ऑप्शन है ही ब्लूटूथ का, और साथ ही हमारा टीवी भी सपोर्ट करता है ब्लूटूथ का। तो किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट करना है और कुछ और तरीके की आपके पास साउंड सिस्टम है उसको कनेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल में जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि अगर आप लोगों के पास कोई भी ब्लूटूथ साउंड बार है या फिर ब्लूटूथ स्पीकर है या फिर आप ब्लूटूथ ईयरफोन हेडफोन्स में सुनना चाहते हो तो ब्लूटूथ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी फायर टीवी स्टिक के अंदर इनबिल्ट आती है। तो तब उस अवस्था में हम क्या करेंगे कि हमारी ब्लूटूथ डिवाइस जो भी हो, चाहे वो ब्लूटूथ स्पीकर हो चाहे वो ईयरफोन हो, वो हम अपने फायर टीवी स्टिक से कनेक्ट कर लेंगे। अब कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो अभी मेरे पास यहां पर एक मॉनिटर है और इस मॉनिटर पे मैंने फायर टीवी स्टिक लगा दी है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे मॉनिटर में स्पीकर हैं ही नहीं, जबकि दिए गए हैं लेकिन मैं मान लेता हूं कि नहीं है। अब ऑडियो नहीं है तो फिर या तो हम अपने ईयरफोन पे ऑडियो लेंगे ब्लूटूथ वाले या फिर ब्लूटूथ स्पीकर पे ऑडियो लेंगे, तो वो कनेक्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें जाना होगा सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स हमको कहां मिलेंगी, सेटिंग्स मिलेंगी हमको यहां पे। अब सेटिंग्स पे आने के बाद हम जाएंगे ब्लूटूथ डिवाइसेस, यहां पे लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद अब यहां पर हम जाएंगे अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस में। अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस में जाने के बाद ऐड करेंगे एक ब्लूटूथ डिवाइस को। तो अभी ये यहाँ पर कह रहा है कि सर्च कर रहा है, तो अभी मैं अपना स्पीकर ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने किया ऑन। Your Zook Rocker is ready to pair. तो अभी ये रेडी टू पेयर हो गया है मेरा यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर। ये देखिए इसको यहाँ पे मिल गया हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो। अब इसको मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। The wireless device has connected successfully. भैया कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गई है। अब चलिए कोई भी प्रोग्राम चला के देख लेते हैं कि क्या आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अभी ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो गया है और हमारा जो ऑडियो है हम ब्लूटूथ स्पीकर से सुन सकते हैं एकदम मस्त तरीके से। शहर लखनऊ की गलियों से गुजरते चारों ओर से घेर लेते। तो जो मेरा फायर टीवी स्टिक है ये थोड़ा पुराना है, इसमें रिमोट में फंक्शन नहीं दिया गया वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं से कम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरे पास ये ईयरबड्स हैं, इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ दबाते हैं ब्लूटूथ डिवाइस, अब ये सर्च करेगा। ये आ गए एयरपॉड्स 131, इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी ये जैसे कि कनेक्ट हो गए हैं तो चल के हम लोग यहाँ पर एक फिर से कुछ चला के देख लेते हैं। तो अभी ये मैं अपने माइक पर सुनाता हूँ, आवाज़ आने लग गई है। तो जिस तरह से अभी यहाँ मॉनिटर पे मैंने कनेक्ट करके दिखाया, भाई कई लोगों के पास मॉनिटर ऐसे होते हैं जिनमें कि स्पीकर्स दिए ही नहीं होते हैं, बट उस पर वो फायर टीवी स्टिक से अपना पूरा आनंद लेना चाहते हैं एंटरटेनमेंट का, लेकिन जब स्पीकर नहीं होंगे तो सुनाई कहाँ देगा। तो वहाँ पर आप फायर टीवी स्टिक से ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टेलीविज़न है हमारे पास, उसमें तो भाई स्पीकर होएगा ही होएगा टेलीविज़न में, लेकिन हमारे पास फायर टीवी स्टिक है। अब टेलीविज़न में भी ब्लूटूथ है और फायर टीवी स्टिक में भी ब्लूटूथ है, तो कौन सा ब्लूटूथ कनेक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरी समझ में ये एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली बात यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ब्लूटूथ जो है रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में टेलीविज़न की ब्लूटूथ रेंज ज़्यादा अच्छी है पकड़ने की या फिर हमारी फायर टीवी स्टिक की। अब फायर टीवी स्टिक जो है वो टेलीविज़न के पीछे की तरफ हम लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो वो थोड़ा छुप जाएगा, वो थोड़ा दब जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद टेलीविज़न में जो है आपकी रेंज अच्छी मिल जाएगी ब्लूटूथ की। फिर और एक बात आ जाती है ब्लूटूथ के वर्ज़न की। अब मान लीजिए कि आपके टेलीविज़न में ब्लूटूथ वर्ज़न 4 दिया गया है और फायर टीवी स्टिक में 4.1 या 5 दिया गया है, या वाइस वर्सा कि भैया फायर टीवी स्टिक में ब्लूटूथ का वर्ज़न हमारे पास पुरानी फायर टीवी स्टिक थी उस पर 4 ही था और हमने टीवी नया ले लिया वहाँ पर हमको ब्लूटूथ वर्ज़न 5 मिल गया, तो बेटर कौन सा है। ऑब्वियसली जो बड़ा है वो बेटर है, 4 छोटा है 5 बड़ा है तो 5 बेटर है। तो वहाँ पर हम टेलीविज़न से कनेक्ट करेंगे। ये तो हो गई ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट करेंगे कि कौन सा वर्ज़न क्या सब कुछ। बट अगर हमें टेलीविज़न के ऑप्शंस अगर देखने हैं तो टेलीविज़न में हमें कैसा है कि हमारे पास साउंड बार है, तो अगर साउंड बार है तो टेलीविज़न से HDMI के थ्रू हम उस साउंड बार को कनेक्ट करें और फायर टीवी को टेलीविज़न में कनेक्ट करें तो हमको एक बेटर साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बहुत सारे वीडियोस मैंने साउंड बार से जुड़े कंप्यूटर से कनेक्शन करने के, फायर टीवी स्टिक से कनेक्शन करने के ऊपर बहुत सारे बनाए, मैं नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगा
कुछ वीडियोस के लिंक्स भी दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।